मेरी जहां भी नजर पहुंच रही है मुझे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ये जगह भी छोटी पड़ गई लग रहा है। आम आदमी मास्क ना पहने तो फाइन, उसकी रोजी रोटी छिन गई तालाबंदी के कारण, मगर नेताओं की रैलियों पर कोई रोक नहीं है। मीडिया ने दिखाने के नाम पर सिर्फ औपचारिकता पूरी की है। ताल ठोके की शुरुआत कुछ तस्वीरों के साथ कर रहे हैं कि किस तरह से कोरोना का मजाक बनाकर रख दिया इन लोगों ने। तबलीगी जमात के मरकज के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में ये जमाती है वहां पर, सैकड़ों की संख्या में। मतलब बच्चा बच्चा समझ रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आज जो कहा जा रहा है कि देश में सामुदायिक संक्रमण का खतरा बढ़ गया है, ये वो बताने वाली तस्वीरें हैं, देश को खतरे में डालने वाली तस्वीरें हैं, सबकी जान को खतरे में डालने वाली तस्वीरें हैं, ये पूरे हिंदुस्तान की संकल्प शक्ति पर बट्टा लगाने वाली तस्वीरें हैं। ये कैसे जमातियों ने देश विरोधी हरकत की, मरकज में जमा हुए जमातियों के झुंड आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जितना खून आज तमाम हिंदुस्तानियों का खौल रहा है, पूरे देशवासियों का इन तस्वीरों को देख कर यकीन मानिए खून खौल रहा है। कोरोना कैसे फैला ये लापरवाही नहीं, एक तरीके का षड्यंत्र क्यों ना कहा जाए इसको। क्या एक षड्यंत्र है दिल्ली को इटली बनाने की, षड्यंत्र है, साजिश है क्या ये? क्या ये जानबूझ कर किया जा रहा है? आपको माफ नहीं किया जा सकता है। आप अगर हाथ जोड़ के भी आज भारत के देशवासियों से माफी मांगे तो हम माफ नहीं करने वाले। हिम्मत कैसे हुई मरकज की, हिम्मत कैसे हुई तबलीगी जमात की, किस तरह से कोरोना फैला इस देश में। मुझे तो लगता है इन सब लोगों को जेल भेज देना चाहिए, चक्की पीसनी चाहिए इन लोगों को जो इस बेशर्मी से कोरोना को फैला रहे हैं इस देश में। भाई और बहनों, आपको मैं कह दूं, इससे ये प्रमाण हो जाता है कि ये मरकज, ये तबलीगी जमात और ये मरकज जानते हुए भी कोरोना फैलाना चाहते थे। आपको देखकर तो मुझे लग रहा है कि अभी भी आप बात को सीरियसली नहीं ले रहे, मजाक लग रहा है इनको। नतीजा ये हुआ कि अच्छे भले लोग भी सब्जी किससे खरीदनी है, बाल किससे कटवाना है, इसके लिए उसका मजहब पूछने लगे। सांप्रदायिक सौहार्द और खराब हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन खबरों से हम सभी को शर्मिंदा होना पड़ा। अगर शर्मिंदा होते हैं तो अंदर तो होता होगा, व्यक्त तो करने से अपने आप को बहुत रोक लेते हैं। लेकिन कौन समझाएगा इन साधु संतों को, लाखों की संख्या में ये साथ साथ स्नान कर रहे हैं, मास्क किसी ने लगा नहीं रखा है और ये अब यहाँ हरिद्वार से निकलकर पूरे देश में फैलेंगे, इनके आश्रम में आने वाले लोगों तक ये कोरोना पहुंचेगा। क्या देश का साधु संत इतना गैर जिम्मेदार हो सकता है? अगर सरकारों ने चादर ओढ़ ली है, सरकार तैयार नहीं है कोई फैसला लेने के लिए, तो क्या देश के साधु संतों की जिम्मेदारी नहीं है? फिर मैंने मॉम को बोला, मॉम हिंदू खतरे में है और इसके लिए मैं तो इस्लाम में कन्वर्ट करा रहा हूँ। आप अपना देख लो, ये सुबह शाम खतरे की जिंदगी मुझे तो नहीं चाहिए। वैसे भी हमारा क्या, हम तो फकीर आदमी है, झोला उठा के हाथ पार मत कीजिए।